पठाना झरना दिखाओ ना यार। मस्त है भाई। क्या बात है? बारे लौटना जो है ना भाई। क्या बोला तूने? फिर गाड़ी क्यों भगा रहे हो? अरे टेंशन 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 झरने में नहाएंगे मस्त नंगे होकर के। ये रहा नहीं गुंडा का स्टाइल है भाई ये टपोरे बनाने का। तो राम राम मेरे भाइयों, आज हम जा रहे हैं सीता माता के दोस्तों के साथ में और हमारे साथ में सबसे बारी लोंडा जो है ना भाई। क्या बोला तूने? देख लो बारी लोंडा है, बारी लोंडा ये दिलखुश और गुंडा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? भाई ये राजकेश उर्फ खोजी। अच्छा। और भाई अपने साथ में बहुत सारे भाई है, ये रितेश भाई उर्फ गुर्रा। ठीक है समरिया। तो सभी मिलकर के आप जा रहे हैं स्वयं माधोपुर सीता माता के और वहाँ पे जलों में नहाएंगे और दाल बाटी बना के खाएंगे। तो चलते हैं, चलो भाई स्टार्ट करो। तो भाई लोड हो चुकी है, चलो चलो आगे आगे मैं भी आ रहा हूँ। तो भाई हम भी चलते हैं, हम थोड़ा बाइक से चलेंगे इसलिए। और वो जा रहे हैं आगे और दाल बाटी का जो प्रोग्राम था उसका जो सामान लेना था वो लेंगे आगे से और फिर मिलते हैं आपको सीता माता के। तो भाई चलते हैं, हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकल चुके हैं और हमारी जो पिकअप थी वो आगे निकल चुकी है। तो सीता माता के फुल इंजॉय करेंगे और वहाँ पर फुल मस्ती करेंगे। तो भाई जो हमारी पिकअप थी वो आगे आगे जा चुकी है, देखो हो गयो? बड़ी तो तोड़ दे यार खेसू भी। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। पिकअप चलती है अपनी, मैं चलता हूँ आगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं मायमल रूम मेरा कॉलोनी गेट पर। ठीक है। तो हमने हमारी बाइक को रख दिया लाइब्रेरी में और अब जा रहे हैं पिकअप में जाएंगे भाई, पिकअप में मजा लेते हुए जाएंगे। और ये भाई हमको छोड़ने जा रहा है जहाँ पे पिकअप खड़ी है, सब्जी मंडी में सब्जी के सामान ले रही है, दाल के दाल बाटी बनाएंगे वहाँ पे, दाल बाटी बनाएंगे मस्त आएंगे मस्त झरने में नहाएंगे मस्त नंगे होकर के। ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई अब सब्जी मंडी में पहुंच चुके और यहाँ अपनी जो पिकअप थी वो पिकअप यहाँ पे खड़ी है और पिकअप में रखे हैं सारे के सारे सामान जो दाल बाटी बनाने के काम आएंगे। देखो ये सारे के सारे सामान पड़े हुए और इनसे बनाएंगे हम दाल बाटी। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सामानों की खरीदारी करने के लिए लोंडे गए थे मार्केट में, तो खरीदारी करके आ रहे भाई। और आज तो पता नहीं कितनी खरीदारी करेंगे लोंडे, आज सारा मार्केट क्यों खरीद के मानेंगे क्या यार। भाई 8-10 लोगों के लिए हम दाल बाटी बना रहे हैं, ये पता नहीं पूरे गांव को जिमाने की सोच रहे क्या यार। चलो अभी सामान लेके आ रहे हैं वो, आने दो उसको फिर चलते हैं। आप तो मार्केट से दाल के सामान ले लिए भैया, नींबू आ गया, प्याज आ गया, लहसुन आ गया, मिर्च आ गई, सारे सारे सामान आ गए और अब चलेंगे वहाँ पे और बनाएंगे सामानों की खरीदारी करके अब हम चल रहे हैं भैया सीता माता की ओर। और स्टेशन के सामने से गुजर रहा है ये सवाई माधोपुर जंक्शन। हाँ बोल, क्या कह रहा है ये बता, बता दे यार। हाँ घोड़ा सर्किल पे आ चुके हैं, घोड़ा सर्किल पे। और ये गणेश जी के जाने का प्रवेश द्वार, काफी बड्डो थी यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। भाई इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? भाई गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, एक्सीडेंट हो जाए इससे पहले अपन घर पहुंच जाते। और तेज चला। माधोपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। तो फिर गाड़ी क्यों भगा रहे हो? अरे टेंशन 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 टेंशन, गाड़ी ये रुकती कैसे है?
ना ब्रेक की गाड़ी ले हो क्या? देख की नहीं बात कर रहा हूँ, टेंशन टेंशन कैसे। तो भाई आ चुके हैं सीता माता के। तो भैया दाल बाटी का सामान उतारेंगे अब यहाँ पे, अब यहाँ पे बनाएंगे। उतरो उतरो उतरो, सीता माता आ गई रे, सीता माता आ गई। चिल्ली तो भाई आ गया सीता माता का। अब नहाई धोई करते रंगा आपा, नहाई धोई सामान वामन को सुतून लगा, नहाई धोई करो। भाई साहब ये ड्राइवर है कि ये ड्राइवर है, कट कट मार मार के जब हमारा कट मारा होता है। ये आ चुका है भैया फोरम में, अब बनाएगा ये बाटन को धड़ाधड़ तरीके से। ये हमारे दोस्त चूल्हा बनाते हुए नरसी एंड ब्लॉगर खुद। ओए पेट मत बता रे, ओए रितेश रितेश खुद गुंडा का हाथ 10 किलो का गणे। अरे नहीं अपना हाथ नहीं यार, अपना क्या बोला तूने? गुंडा का स्टाइल है भाई ये टपोरे बनाने का, देसी जुगाड़ भाई ये। अदरक और लहसुन ये है ना ठोकने के लिए, मतलब कूटने के लिए है ना, माम दस्ता नहीं लेके आए और अब ये बोतल में इसकी कुटाई कर रहे हैं। बस देख मतलब एक एक से पार नहीं पड़ती ना, तो देखो हाथ पा इंडिया देख, मतलब भाई टैलेंट की भाई ये ट्रिक बहुत यूनिक है, और ये ट्रिक ना भाई शुरुआत से मार जानी चाहिए अपने आगे। सिस्टम फाड़ देंगे ने, बोतल फाड़ दी है और पेस्ट बना लिया लहसुन का और अदरक का। ये बन गया भैया बिल्कुल बारीक हो चुका है, और मुरब्बा बन गया ये लहसुन का और अदरक का, और ये ट्रिक भाई बाहर नहीं जानी चाहिए। देखो भाई सीता माता का आ गया। अबे साले आ गया भाई। बोलो सीता माता की जय। काय तम को ये ना बगाना और मजले बगाना आते हैं लोग भी आते भाई। अलग मजले भाई तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ओ मेंढक अपना मार गांड के रे दूंगा यार, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर से मैं आऊंगा मैं, अरे ओए घर तो होता का
अरे योर आ जाओ योर। ओ बुफाल, ओ, ओ अंधेरा मत आओ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो भाई हम जा रहे हैं जो एक झरना इधर से आता है अंदर से उसकी तरफ। अरे अगाड़ी चलेंगा बहुत, कोई न जाओ अगाड़ी, अभी जान रखान लीजो काय भी मल सका। अरे हकीकत बता रहे जो भाई, संभल संभल के चलो, कंजी सारी है कंजी, गिर गई ना तो बन जाएगी गंजी। हाय दोस्तों, अरे यार वीडियो ना रही ढंग से बनवा, बता रहे तुम तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो आगे वो धरना आ गया। हाँ यार और आज हम आए हैं विजय भाई के साथ माता के। हाँ और एक नया धरना देख ले, यहाँ पे भाई कुछ भी खतरा हो सकता है, तो अपनी गांड संभाल के रखे, जो भी यहाँ पे बहुत जल्दी मर भी सकती है। यहाँ तो जल परिया है भाई, यहाँ तो जल परिया है भाई। देखो देखो दरिंद की चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कभी नहीं। देखिए मैं तलाशती वो यहाँ पे और आप पहुँचे आज, आखिरकार मिल ही गया। और ये वो झरना, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? पहाड़ी की चोटी पे आ चुके हैं और यहाँ जो इलाका देख रहे हो बहुत खतरनाक है। एंजॉय कर लो खूब मस्ती से। अब एंजॉय कर लेते भाई, थोड़ा सा वीडियो बहुत बन गया, अब वीडियो बनाएंगे बाद में। पहाड़ के ऊपर एंजॉय ले लिया, अब जाएंगे नीचे की तरफ। तो ये देखो भाई ये झरना जा रहा है नीचे। अरे पानी, अरे ओए पानी रोक, पानी रोक, पानी रोक, एक नंबर वीडियो आई जा। नहा लिए और कपड़े वपड़े पहन लिए भाई, अब चलते हैं। यार प्यास लगे, पानी पी ले चोरा।
तो भाई ये सबसे शुद्ध पानी आता है यहाँ के, जो ऊपर से आता है। ये सबसे भारी आदमी। इस भाई को हम नीचे छुड़ाए थे क्योंकि ये दाल बना रहा था, बाटी बना रहा था। अब आया ये भाई तो ये नारा है और मजे ले लेके नारा ये भी, और हम बैठे हुए भाई। तो ये वो लोंडा, सबसे भारी लोंडा यही है। तो फाइनली नहाने के बाद में अब हम आ चुके हैं सीता माता के मंदिर पे। और सीता माता का मंदिर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे वो मंदिर है, वही पुजारी है। तो फाइनली हम सीता माता के जाकर के आ गए भाई, खूब मज़ा लिया, बहुत मज़ा आया भाई नहाने में और बहुत अच्छा लगा। और अब हम जा रहे हैं भैया, जो दाल बाटी बनाया था उसको खाने के लिए, क्योंकि तो भूख भी लगने लगी है। काफ़ी बहुत देर से हम नहा रहे थे तो भूख लगने लगी है, और शाम के 4:30 भी बज चुके हैं, तो हमको लगभग यहाँ पर 5 घंटे हो चुके हैं अभी तक। तो हम आ गए भैया, अब हमारा खाना बन के कम्प्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे आकर के बस खाने का काम है। और जो हमारी टीम थी वो खाना बना चुकी है ना, बाटी बन चुकी है, अब इसको चोपड़ेंगे भाई। बाटी बन के तैयार। ज़्यादा भूख लग रही थी। अरे कोई दो रे भाई, इसको दाल बाटी दो यार। जोर से भूख लग रही दोस्तों, मेरे बाप को बन गया। फटाफट से टमाटर वमाटर काट तैयार करिए, खुद गण कर रहे थे, आप गण कर रहे थे। तो भाई बन चुकी है बाटी बाटी है, बस खाना खाएंगे और उसके बाद में घर पे। खाना खाना स्टार्ट भाई, जोर से भूख लग रही है, भूख हमारी जान कट गई। तो भाई खाना बन चुका है, मस्त खाना बनाए, क्योंकि बनाया भाई मस्त आदमी ने, खुद पहले से मस्त बनाए। मम्मम बोले। Thank you.